हेलो वेलकम फ्रेंड, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। आप लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का किस तरह से निर्माण हुआ, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि अगर आप बोला जा रहा है कि अगर आप 18वीं सदी में देखेंगे, मध्य 18वीं सदी में यूरोप में बहुत सारे जो कंट्री आज के देश आज के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, इस तरह का कोई देश उस समय नहीं था। स्थिति उस समय कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सभी जो हैं छोटे छोटे राज्यों में रियासतों में बटे हुए थे। जिस तरह से हमारे देश भारत में भी 525 से ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी, उस तरह से यूरोप में भी वही स्थिति था। राजशाही था, डच लोग काम करते थे, कैंटून के स्टाइल में थे, मतलब एक तरह से छोटा छोटा इलाका बटा हुआ था। सभी लोग अपने अपने इलाके के स्वतंत्र जो है मालिक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। ये स्थिति उसमें मध्य 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में यह स्थिति चल रही थी। अब ऐसा था कि इस तरह के ये लोग का कोई सामूहिक पहचान नहीं था। इस पूर्वी और मध्य यूरोप में जो है राजशाही बहुत चरम सीमा पे थी। उनका अलग अलग क्षेत्र था, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग डाइवर्स पीपल रहते थे, लैंग्वेज कल्चर सबका अपना अलग अलग हुआ करता था। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। कोई उनका समय एक तरह का जो है कॉमन कल्चर नहीं था, संस्कृति नहीं थी, अलग अलग भाषाएँ थी, विभिन्न विभिन्न जाति धर्म के लोग थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं, ऑफन दे कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, अलग अलग जातीय समुदाय के लोग थे। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर था, जिसमें कि ऑस्ट्रिया हंगरी थे, उसमें उसके अच्छे सदस्य थे। उसमें उदाहरण के लिए देखिए कि जो ये क्या था, इनके साम्राज्य में जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य मिले हुए थे, जैसे टिराल था, ऑस्ट्रिया था, स्टूडेंटलैंड था, जैसे इलाके इनके में आते थे, और इस इलाके में अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे। का हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डिया और वेनिशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधा से ज़्यादा लोग जो है मैगरेट लैंग्वेज बोलते थे। गालिशिया में कुलिनवर पॉलिश बोलता था। इस तरह से विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न विभिन्न इनका भाषा भाषी थे। तो फिर सोचिए कि राष्ट्रवाद में हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, किस तरह से राष्ट्रराज का विचार इनके अंदर उत्पन्न हुआ। अब हम इसको सब चैप्टर में आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग का क्या स्थिति था, किस तरह से वहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे प्रादुर्भाव उनका हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज़ द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली समुदाय था। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जिनके पास जमीन था, वो पूरे यूरोप महाद्वीप में सबसे ताकतवर लोग में माने जाते थे। इस वर्ग के सदस्य जो थे, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजन में व्याप्त था। वे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में उनके पास देयर ओन एस्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउस। ग्रामीण इन कालों में उनके बड़ी बड़ी जमीन खेती बाड़ी जो जमीन था, और शहर में उनके बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन द हाई सोसाइटी, उच्च समुदाय में उच्च समाज में वो जो है फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और देयर फैमिली वेयर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज, और आपस में शादी विवाह समारोह के चलते जो है एक दूसरे से बंधे हुए रहते थे। दिस पावरफुल आइटोक्रेसी वाज हाई एंड न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, लेकिन इस तरह के ताकतवर लोग पैसे वाले लोग की संख्या उस समय वहाँ पे बहुत कम हुआ करती थी। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप पेजेंट्री, ज़्यादातर जो हम लोग शुरू में फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पढ़े हुए थे कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर छोटे छोटे किसान थे, जो अपने मालिकों के जमीन पर खेती बाड़ी किया करते थे। लैंडलेस आप उनको बोल सकते हैं, लेबर टाइप के लोग थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार या छोटे छोटे किसान जो थे, काश्तकार जिसको बोला जाता था, वो लोग खेती बाड़ी करते थे। जबकि वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय
वास्ट स्ट्रिप्स विच वेयर कल्टिवेटेड बाई सर, जबकि जो है पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल भूमि जो थी जागीरों में बटी हुई थी, बड़े बड़े राजाओं जमींदारों के बीच में बटा हुआ था, जिस पर कि लोग सर्फ रखे हुए थे, मतलब जो उनके दास एक तरह से भूदास बोलते हैं, सर्फ को भूदास बोलते हैं, जो खेती बाड़ी में काम करते थे वो अपने मालिकों के गुलाम हुआ करते थे। फिर कह रहा है इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल एंड क्लास हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। पूरा बाजार जो था, मार्केट जो था, वहां पर सब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर टिका हुआ था। जितना ज्यादा उनका सामान उत्पादन होगा उतना ज्यादा जो है उनका मार्केट बढ़ेगा, ये स्थिति वहाँ पे थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है यूरोप में पहला देश था जो कंट्री जिसको कह रहे हैं इंग्लैंड में शुरुआत हुआ औद्योगिक क्रांति, धीरे धीरे वहाँ पर औद्योगिकरण होना शुरू हुआ। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ। मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो है पहले, बहुत पहले 50 साल पहले जो है उनके औद्योगिकरण होना शुरू हो गया, फ्रांस वगैरह में उसके बाद आया। इसके चलते ये हो गया, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, इससे क्या हुआ एक नया सामाजिक जो है समूह अस्तित्व में आया, एक श्रमिक वर्ग के लोग और दूसरे मध्य वर्ग जो उद्योगपति व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हुए थे। यूरोप दीज ग्रुप्स वेयर स्मॉलर इन नंबर, यूरोप दीज ग्रुप्स वेयर स्मॉलर इन नंबर टिल डेट 19th सेंचुरी, और इन समूह का आकार 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा बहुतात में उस समय तक नहीं हुए थे, छोटे समूह में थे, ज़्यादा लोग की संख्या यहाँ पे नहीं थी। इट वॉज अमंग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनलिटी यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंट थी। कुलीन का जो विशेष अधिकार प्रिविलेज दिया हुआ था उसका समाप्त होने के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच जो है राष्ट्रीय एकता की भावना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। जैसे ही फ्यूडल सिस्टम वगैरह समाप्त हुआ, एरिस्टोक्रेसी वगैरह को जो मिला हुआ था वो प्रिविलेज, वो प्रिविलेज समाप्त किया गया। धीरे धीरे जो पढ़े लिखे हुए लोग थे, सामाजिक लोग जो थे, इनके बीच में जो है राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय एकता का भावना आया और लोगों को लगा कि हम लोग एक होना चाहिए, अलग अलग राज्य में जो बटे हुए हैं, अलग अलग राज्य में हम लोग ना रहें, एक राज्य बनाएं, एक राष्ट्र राज्य होना चाहिए। तो फिर कह रहा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर 2.2 में वो लोग देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मीनिंग था, व्हाट डिड लिबरल नेशन स्टैंड फॉर, इसका क्या मीनिंग था, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने होते हैं, इसके बारे में हम लोग अब जानने का कोशिश करते हैं, जानते हैं। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबद्ध विचार उदारवादी से करीब जुड़े हुए थे। कहीं भी अगर इस तरह की भावना थी कि देश को आज़ाद करना है, एक राष्ट्र बनना है, तो उस समय जो भावना लोगों के बीच में थी ये उदारवाद से संबंधित था। ये लोग उदारवाद से काफ़ी करीब थे, लिबरलिज्म के काफ़ी नज़दीक थे। उदारवाद का लिबरलिज्म का अर्थ होता है, मतलब लिबर से आया है, बट लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि आज़ाद हम स्वतंत्र हैं। और इसी तरह से फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिलो बिफोर द लॉ, उसी तरह से जो मध्यवर्गीय लोग था, मध्यवर्ग के जो नए मध्यवर्ग के लोग थे, उनके लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति की आज़ादी और सभी के लिए कानून समान, ये उनका अपना विचार था, ये लोग के मतलब यही था। फिर कह रहा है पॉलिटिकली इट इम्फेसिस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बननी हो, मतलब जहाँ पे चुनाव हुआ हो, चुनाव के बाद जो सरकार बनी हो, इस पर वो लोग का उनका जोर ज्यादा हुआ करता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद जो है निरंकुश शासक जो थे ऑटोक्रेसी जो थे और पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार था इसको समाप्त कर देने के बाद जो है संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्ष था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों का यह मत था कि राजशाही समाप्त किया जाए, जो प्रिविलेज मिला हुआ प्रिविलेज समाप्त किया जाए
और सब जो है सरकार भी जो है एक संविधान के तहत काम करे, उनको ऑटोक्रेसी नहीं रहना चाहिए, ये उदारवादियों लोग का ये कहना था। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस द इनवायलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन 19वीं शताब्दी के जो है उदारवादी विचार लोग जो थे, ये लोग चाहते थे कि संपत्ति किसी का नहीं छीना जाए, संपत्ति के मालिक हो जो आदमी, उस पर भी जोर देते थे कि आदमी के पास, मनुष्य के पास, जनता के पास अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी जोर देते थे। फिर का एक इक्विटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, अब कह रहा कि कानून का मतलब यही नहीं था कि सभी को मत देने का अधिकार हो गया, यह जरूरी नहीं कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए, ये नहीं था कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार मिल गया हो। यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस व्हिच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, हम लोग फ्रांस क्रांति में पढ़े हुए हैं कि वहाँ पर जो है 25 वर्ष से ऊपर सिर्फ पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, और जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी, जो कम से कम 3 दिन का अपना इनकम सरकार को टैक्स में देते थे, वही लोग जो है वोट देने का अधिकार उन्हीं को मिला हुआ था। ये हम लोग क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े हुए हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, यहाँ भी यूरोप में भी यही धारणा थी कि जिनके पास, जिस मनुष्य के पास पैसा नहीं है और महिलाओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राजनीतिक अधिकार, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया था। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल एंजॉय सेपरेट, बीच में हम लोग ये देखे थे कि जैकोबिन का जो शासन हुआ था उसमें, तो उसमें भी जो है कुछ ही लोगों को जो है वोट देने का अधिकार मिला था। जैकोबिन शासन के समय जो है वोट देने का कुछ कम समय के लिए वोट देने का अधिकार मिला गया था, दिया गया था। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor subject to the authority of fathers and husband. मगर नेपोलियन का जो हमने नेपोलियनिक कोड पढ़े हैं उसमें क्या दिया हुआ था, मताधिकार तो वापस आई लेकिन महिलाओं को अवयस्क माना गया, महिलाओं को माइनर माना गया, और उनके लिए पिता या पति जो है उनके अंडर में उनको कर दिया गया कि उनके देखभाल उनके पति करेंगे या पिता करेंगे, मतलब वो स्वतंत्र नहीं थे, राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर उनके पास है भी तो उसका वो उपयोग नहीं कर सकते थे, मताधिकार वो नहीं दे सकते थे, कर ले सकते थे। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट, पूरे 19वीं शताब्दी में तथा 20वीं शताब्दी के कुछ समय में, प्रारंभिक वर्ष में महिलाएं और जो संपत्तिविहीन पुरुष थे इनका आंदोलन चलते रहा और इनका बार बार ये मांग होते रहा कि हम लोगों को भी जो है राजनीतिक अधिकार दिया जाए। इन द इकोनॉमिक एक्सपीरियर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब था कि बाजार को मुक्त मिलना चाहिए, चीज तथा पूंजी के आवागमन पर रोक जो है लगाया जाए, वह खत्म कर दिया जाए, मतलब किसी तरह के नियंत्रण के पक्ष में जो है बाजार नहीं था। इकोनॉमिक एक्सपीयर में उदारवाद ये चाहते थे कि मार्केट को एकदम फ्री, अपने मन से, अपने ढंग से काम करने दिया जाए, उनके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए पूंजी के प्रवाह में, सामान के आवाजाही में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रांग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास, 19वीं शताब्दी में जब नए नए मध्य वर्ग पैदा हो रहे थे, धनाढ्य वर्ग जो मध्य में आ रहे थे मिडिल क्लास में, उनका मुख्य मांग यही हुआ करता था। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है हम लोग एक उदाहरण जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र के बारे में देखते हैं, जर्मन भाषाभाषी क्षेत्र जो था वहाँ क्या मांग था, क्या स्थिति थी। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ए कंफेडरेशन ऑफ 19 स्टेट्स, नेपोलियन के समय में हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे जो 39 राज्य थे उसका एक महासंघ बनाया गया नेपोलियन के समय में, जिस समय 1804 में नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन कोड जो आया था उसमें क्या हुआ कि जो भी छोटे छोटे 39 राज्य थे उनका एक महासंघ बना, और इसमें प्रत्येक जो भी था सभी के पास अपने अपनी मुद्रा थी, अपने अपनी तौर प्रणाली थी, ईच ऑफ दिस पजेस्ड इट्स ओन करेंसी, सभी का अपना करेंसी था, एंड वेट एंड मेजर अपना मापतौल भी था। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैनपर टू नरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम, कह रहा है कि अगर कोई व्यापारी हैनपर से चलता है नरमबर्ग की ओर तो अपना सामान बेचने के लिए, तो उनको 11 जो है कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था,
सीमा शुल्क देना पड़ता था और कम से कम उनको जो है 11 कस्टम बैरियर पार करना पड़ता था और हर जगह उनका 5% जो है उनको टैक्स देना पड़ता था। ड्यूटी जो है ऑफ एन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजर ऑफ द गुड्स, टैक्स उनका इस तरह से था कि उनके सामान क्या कितना वजन है और क्या कीमत है, इस हिसाब से जो उस पर टैक्स लगता था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब ये 40 राज्य के बारे में अगर हम सोचते हैं, सबका अपना अपना करेंसी था, अपना अपना मापतोल था, तो सोचिए कितना समय उनको लग जाता होगा कुछ भी आकलन करने में, कैलकुलेशन करने में कि फलाना व्यापारी के पास कितना सामान है और कितना इससे टैक्स दिया जाए। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज एले, उदाहरण के लिए देख माना जाए कि एले एक उनका का जो कपड़ा नापने का ये था मापदंड था। विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, अभी अलग अलग क्षेत्र में इस एले का जो है अलग अलग पैमाना हो गया था। अगर आप कोई कपड़ा लेते हैं फ्रैंकफर्ट में तो आपको 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा, मेंज में लेते हैं तो 55.1 सेंटीमीटर मिलेगा, और न्यूरमबर्ग में लेते हैं तो 65.6 सेंटीमीटर मिलेगा, और फ्रीबर्ग में लेते हैं तो 53.5 सेंटीमीटर आपको मिलेगा वस्त्र। सोचिए अलग अलग कितना डिफरेंस था। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लास हु आर गुड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। ये सब जो नए नए वाणिज्यिक ऐसी परिस्थिति में जो कॉमर्शियल लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे, इसको विकास में बाधक मानते थे। उदारवादी लोग जो हमारे लिबरल थे, इस तरह की व्यवस्था को विकास में बाधक मानते थे। उनका मानना था कि इस तरह का क्षेत्र हो जहाँ की किसी तरह का पूंजी जो है आराम से आया जाए, किसी तरह का उनके पास प्रॉब्लम नहीं हो, आराम से बिना किसी रोक टोक के जो पूंजी का आवागमन हो, मनुष्य का आवागमन हो और सामान का आवागमन हो, ये लोग चाहते थे उदारवादी लोग। इन 1834 एक कस्टम्स यूनियन और जॉर्विन वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। 1836 में इसको दूर करने के लिए जो है एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसका नाम जॉल्वरिन था, और उसमें ये प्रसिया का जो है ज़्यादा जोर था, उसका पहल उनके पहल पर जो है इस तरह का बना गया, और बहुत सारे जर्मन के छोटे छोटे जो राज्य थे इसके संघ के इस जॉल्वरिन ग्रुप के मेंबर बन गए। यूनियन एवॉलिश ट्रैफिक बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। अब ये जॉल्वरिन यूनियन बना तो पहला काम यह किया, जो भी सीमा शुल्क वगैरह था इसको बंद कर दिया गया, इनका जो करेंसी करीबन 32 था, 30 था, 30 से इसको ला के 2 कर दिया, मतलब अब पूरे 39 जो ये लोग ज़्यादा जो राज्य बन गए, इस सभी राज्य में जो है मात्र 2 करेंसी रहेगा, 30 करेंसी से जो ज़्यादा था, 30 से ज़्यादा उनके यहाँ जो करेंसी चलता था वो बंद कर दिया गया इनके द्वारा। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, उस जमाने में धीरे धीरे रेलवे का भी बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था, तो इससे जो है व्यापार वगैरह में तेजी आई। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, और जो भी काम यहाँ पर हो रहा था देश के बारे में सोचकर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी ये बात हो रही थी कि इस तरह से रेलवे जो तेजी से विस्तार हो रहा है, व्यापार वगैरह हो रहा है, तो राष्ट्र इसका जो है धीरे धीरे इसमें सहायक हो रहा है। उस समय पनप रहे व्यापारिक व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया, ए वेव ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक जो है राष्ट्रवाद वहाँ पे जो हो रहा था, धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद की भावना उनके में तेजी से और बढ़ती गई। तो बच्चों ओके थैंक यू, फिर हम लोग इस तरफ कल पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और टर्म को समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ समझ में आए टर्म नोट करके ये रखिए, जब मौका लगेगा तो पूछा जाएगा क्लास में, फिर जो क्लास होगी तो क्लास में मैं सारे पॉइंट आपको डिस्कस करूँगा। ओके थैंक यू बच्चों।